माय बटरफ्लाई, कैसा आप सब? गुड, हैप्पी बर्थडे आरम किम नाम जून। इसको देखकर क्या लगता है कि नामजून किस तरह के इंसान है? बिग बॉडी, स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा इंसान जो हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते होंगे। पर चलो आराम से ही पूछते हैं वो किस तरह के इंसान है। मैं ज़्यादा मैच्योर नहीं हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं सही से खाना भी नहीं बना पाता हूँ, मैं कोशिश करता भी हूँ तो ये ख़राब हो जाता है, मैं सी फूड नहीं खा सकता, मुझे पर्सनली लगता है कि मैं इनमेच्योर हूँ। ज्यादा नहीं नामजुनी, हाँ पर थोड़े से तो हो, इतना तो होना ही चाहिए। लाइव गोज ऑन की लाइव वीडियो कॉल लग गई, लगा ही था कुछ गड़बड़ होगी। आरम फ्लाइंग युवा के लिए अपना पोज सेलेक्ट कर रहे हैं। ओ, तुम ये चाहते हो? यस। क्या ये दर्द करेगा? इसमें सबसे ज़्यादा दर्द होगा, सबसे ज़्यादा दर्द। मैं नहीं करूँगा फिर। ओ, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम अब चेंज नहीं कर सकते। जो तुमने एक बार चूज़ किया उसे करने की ज़रूरत है। मैंने ये क्यों चूज़ किया? आरम ने ये बटरफ्लाई पोज चूज़ किया था। बटरफ्लाई बटरफ्लाई नामजुना, आरम ने बटरफ्लाई चूज की, तुम्हें लगा ये इजी होगा है ना? यस। कोई नहीं आरम, कर लोगे तुम। शुगा भी चौंक गया आरम की आवाज से। नामजुना, वहाँ कोई अम्ब्रेला है क्या? मैं वहाँ नहीं आ सकता। आरम सुन ही नहीं रहे, वो बस चीखते हुए शुगा की तरफ जा रहे हैं। इतनी सी तो बारिश पड़ रही है, उसमें भी एक चिल्ला रहे हैं, एक बारिश से बच के बैठे हैं। नामजुन पहले से ही थक गए, नामजुन थक गए। ओ, इसे अब विंग की तरह खोलना है। अब हुआ हाथ और पैर में दर्द। शुगा जी होप आराम से लेट के कितना मजा ले रहे हैं। फेस फेस मतलब फोटो के लिए स्माइल करो। जंगू की बटरफ्लाई को नहीं मारते हैं, मतलब बटरफ्लाया को। ओप्स। नहीं, किसे नहीं देखा तुम फिसल गए थे। एक टॉय बोट सही से बनाकर उसे चलाने का मिशन था, उसमें भी गड़बड़। वाह, क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें इस तरह बड़ा नहीं किया था। नामजुनी, तुमने बोट की हालत खराब कर दी थी। कितनी ईमानदार बोट है, फिर भी जैसे तैसे मैनेज करके तुम्हारे पास आ रही है। आराम से आराम से। चलो कम से कम बोट को तो बचा ही लिया। बोट को यार्ड के बीच में रखने का क्या मतलब हुआ ये? क्या तुम चाहते हो बोट खुद चल के अंदर आए? फोन कैसे रखा है नामजुन ने? चोर को ओपन इनविटेशन दे रहा है चोरी करने के लिए। वॉच के साथ स्ट्रगल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लगे रहो लगे रहो। ये ओके, इसे खड़ा करने के लिए इसे बेस से कनेक्ट करना है। नामजुनी, तुम्हें घूमने की जरूरत नहीं है, तुम खड़े होकर इसे घुमा सकते हो। यस, ऐसे ही। कैसे चेक करें जैसे कितनी बड़ी चीज है? जॉइंट करना है सिर्फ। आरम ऐसे पहले इंसान है जो खुद को ही जासूस बोल रहे हैं। मैं हूँ। सारे मेंबर और सारे स्टाफ हैरान है कि खुद को जासूस क्यों बोल रहे हैं। मैं स्पाही जासूस हूँ किम नामजुन, मैं अपना बेस्ट करूँगा, मैं तुम्हारी फोटो लूँगा।
सब जासूस का नाम सेट कर रहे हैं और आरम खुद को ही चूज कर रहे हैं। ये पहली बार है जब सारे डायरेक्टर एक साथ हंस रहे हैं। हंसेंगे ही नामचुन हरकत जो ऐसी कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को ऐसे उछलते हुए टेनिस खेलते कभी नहीं देखा और ऐसे भागते हुए भी नहीं। ये भी सही है, अपनी हार खुशी से एक्सेप्ट करनी चाहिए। गुड। जब जीनियस मैन हाई आईक्यू लेवल वाले इंसान गलत जवाब देते हैं तब बाकी मेंबर का ऐसा रिएक्शन होता है। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इन सबको जोड़कर एक टेबल बनानी है। तुम बना लोगे ना? शायद। ये ड्रेस कैसी है मुझे आज तक समझ में नहीं आई, जिसमें आरम हमेशा पॉकेट ढूंढते रहते हैं। नहीं मिल रहा है। आरम को अपने फोन की बिल्कुल कदर नहीं रहती है। लगता है बहुत अमीर है जो हर बार न्यू फोन बाय करते होंगे। फिर से फोन खो दिया। कोई नहीं नामचुना, वैसे भी तुम साइड में फेंकते रहते हो अपने फोन को, देख लो कहीं गुस्से में घर छोड़ के नहीं चले गया हो। जस्ट किडिंग। यहाँ है फोन। ये जब बोर्ड चला रहे थे दोपहर में तब से यही है। वाओ। जहोब कह रहा है सॉरी मैं अपना फ़ोन कार में भूल गया। जहोब ने घर की चाबी और फ़ोन खो दिया, जबकि जहोब ने ड्राइविंग में अच्छा काम किया है इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। नामजुनी तुम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि फ़ोन तुम्हारे पास है। नामजुना तुम्हारे पास मेरा फ़ोन है। ओह यस सॉरी। देखा, स्टाफ ने आरम को झूठ बोला कि ये पिस्टैचो आइसक्रीम है जबकि ये मिंट चॉकलेट थी, जिससे आरम को सख्त नफरत है। कितने एक्साइटेड हैं। नामजुन ज़्यादा खुश मत हो। पिस्ताचो, ओ क्या ये मिंट चॉकलेट है? यस ये मिंट चो है। ओ स्टाफ तुम अपने आइडल को उनकी फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं दे सकते। ये कहाँ रख रहे हैं इसे? फॉर्म रोलर। ये क्या कोई एक्सरसाइज की चीज़ है? नामजुन जो प्लांट से बात करते हैं। रूम देखो, डोर के पास पिल्लो पड़ा हुआ है, चेयर बीच में है जिसमें कपड़े लटक रहे हैं, बैग खोला हुआ है। मेंबर सही कहते हैं, नामजुन बच्चे हैं और उन्हें खुद देखभाल की ज़रूरत है। जनरली लोग फिश पकड़ते हैं, नामजुन लेजेंड है इसलिए वो फ्रॉग मेढक पकड़ते हैं और फिर नेचर के पास वापस भी भेज देते हैं। गुड। नामजुन यहाँ क्रैब पकड़ना आए थे जो उन्हें नहीं मिले। शूटिंग के बीच में भी क्रैब ढूंढ रहे हैं। वैसे क्रैब दिखते कैसे हैं? सुंदर दिखते हैं वैसे। नामजुना अवार्ड में ओनली देन सॉन्ग सुनकर रो पड़े। ओनली देन रॉय किम का सॉन्ग है जो एक आर्टिस्ट और फैन के रिलेशनशिप के बारे में है। नामजुन रो पड़े थे ये सुनकर। नामजुनी गानों के वर्ड्स से ज़्यादा, मतलब उनके शब्दों से ज़्यादा उसकी मीनिंग पर ध्यान देते हैं, मतलब उस सॉन्ग की होल मीनिंग, पूरी मीनिंग क्या है, किस बारे में है। ही इज़ ए प्योर सोल अ चाइल्ड। नामजुन ऐसे इंसान हैं जिनसे अनजाने में बहुत गड़बड़ होती है, बहुत अनजाने में, लेकिन जानबूझकर नहीं, पर दिल से वो प्योर हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे नामजुना। आई होप इस ईयर तुमसे कम गड़बड़ हो, और ज़्यादा हो भी गई तो कोई नहीं, फैंस तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओके देन, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।